फ्रेंड देख सकते हो, ये हमारे जीजा जी हैं और काफ़ी हमारी पूरी फैमिली इसमें बैठ चुकी है और हम घर से वीडियो नहीं बना पाए यार। वीडियो इस कारण नहीं बना पाए कि मम्मी थी पास में, आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था मुँह से कि क्या कुछ बोलूँ। रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप सब समझ सकते हो कि एक माँ को छोड़ने से क्या होता है। अभी मम्मी बेचारी हमारी घर पर रहेगी और हम सब जा रहे हैं मुंबई की सफ़र करने। अभी आदमी का ज़िंदगी सारा सबसे बेकार है। लड़की का ज़िंदगी है छोड़ के ससुराल आ जाती है अपनी मम्मी को छोड़ के, और लड़के का ससुराल वही हो गया, जिधर जाए कमाए उधर वही ससुराल हो गया। क्या बोलते हो अंकल? सही बात है ना। तो जो कमाते हैं उन्हीं का वही ससुराल समझ लीजिए कि हम सब अभी ससुराल जा रहे हैं। अभी हमारी मम्मी बेचारी अलग हो गई है। मैं घर से सोचा था कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया अभी। अभी हमारा सबका गाड़ी है 1 बजे की, 12:40 का ही है। अभी निकल के अभी थोड़ा टाइम में पहुंच जाएंगे और इसी तरह बने रहिए वीडियो में, दिखाएंगे कैसे कैसे रास्ते में क्या होता है, कितने गुंडे कितने बदमाश मिलेंगे सबको दिखाएंगे। तो बने रहिए। तो दोस्तों हम सब आ चुके हैं भंडारिया स्टेशन, आप सबको दिखाते हैं। भंडारिया स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच चुके हैं। ये देखिए नज़ारा, आप सब तो कभी घूमे नहीं होंगे, ना ही तो आप सब देखे होंगे। ये हमारे जौनपुर का भंडारिया स्टेशन है और इसी तरह बने रहिए। और स्टेशन तो वो है, अभी इसी इधर से कूद के जाना है, रोड तो बना नहीं है। आप सब तो कभी रोड देखे नहीं होंगे, क्या कहते हैं, जो जो रोड देखा होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ हमारे इधर रोड अच्छा है कि आपकी इधर रोड अच्छा है। और हम आ चुके हैं, तो गाड़ी गई स्टेशन के पास। ये देखिए जौनपुर जंक्शन, और आ गए, ये देख लीजिए हमारा, वो है हमारा जौनपुर और ये है हमारा जंक्शन। नहीं उतार ले जाते थे, चलो सब प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं। हो ये ट्रेन आ चुकी है गोदान गाड़ी, अभी हम सब इसी पे सवारी होंगे और चलेंगे मुंबई। ये है गोदान एक्सप्रेस, आ चुकी है, अभी हम सब मज़े से जाने वाले हैं, मस्त आराम से चलेंगे इसी पे बैठ के। गाड़ी आ चुकी है, देखते हैं क्या होता है, बैठ जाएंगे तो ठीक है। दोस्तों ये है गंगा नदी, आप सब देख सकते गर्दी देखा नहीं होगा, ट्रेन में कभी चढ़े नहीं होंगे, ट्रेन में चढ़े होंगे तो ऐसा गर्दी देखे होंगे। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्दी है और कैसे कैसे बस रात गुजारना है, सुबह हो गए तो फिर भाग जाए।